Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, today we are going to start our lecture number 6. Class 1st year, subject biology and chapter 1, topic hai living world in space. In other word, life on earth. Is zameen par zindagi. इस टॉपिक को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस इज एनॉर्मस इन साइज. जमीन पर लाइफ बहुत ज्यादा है एंड देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस विच वी कैन स्टडी थ्रू द वर्ल्ड बायोम. यू मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोम. दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन I have already mentioned here. Biome को define करने के लिए दो नंबर का short question है, most important short question है. आप पिछले paper उठा के देखें, आपको मेरा ख्याल है हर board में ये short question मिलेगा. Define biome. तो biome है क्या? A large regional community primarily determined by climate. एक कम्युनिटी, मैंने लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, मैं आपको कम्युनिटी, पॉपुलेशन, बायोस्फीयर, इन सारी चीज़ों से इंट्रोडक्शन करा चुकी हूँ. रिवाइज करती चलूँ कि कम्युनिटी क्या है. डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन कंबाइंड टू फॉर्म अ कम्युनिटी. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, आप मतलब इसको ज़रूर नोट करें. आपकी बुक में पॉपुलेशन और कम्युनिटी की जो डेफिनेशन दी हुई है, इसको आपने कंबाइन करके विद एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी. बहुत मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप नोट करते चलें. और किसी भी जो कम्युनिटी है उसमें पाए जाने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्लाइमेट, यानी जो उस इलाके का माहौल है, आबोहवा है, वो एक्सप्लेन करती है. लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरी डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट इज कॉल्ड बायोम. बायोम में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ जाएंगे. और याद रखिए कि जो मेजर बायोम्स हैं हमारी अर्थ पे, उनमें टुंड्रा, टेम्परेट, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट है, ये बड़ी मशहूर बायोम्स हैं. ये आप इकोलॉजी वाले चैप्टर में इनको डिटेल से पढ़ेंगे. आज आपका सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी है कि व्हाट इज बायोम, और अगर ये आ जाता है व्हाट आर मेजर बायोम्स, तो फिर आपको ये जस्ट नेम देने होंगे. मेरा ख्याल है फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको दो नंबर की डेफिनेशन के लिए ये डेफिनेशन और उसके साथ इन नामों का लिखना ही काफी होगा, डिटेल में जाना जरूरी नहीं है. जो टॉपिक था लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, जिसको मैंने लाइफ ऑन अर्थ बताया, उसके बाद जो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आप अपनी बायोलॉजी की फर्स्ट ईयर की बुक में पेज नंबर 7 और 8 से मुतालिक आज पढ़ रहे हैं. अपनी बुक खोल के सामने रखें. मैं आपको लिविंग वर्ल्ड इन टाइम एक टॉपिक अगला जो है उसमें लेके जा रही हूँ. और लिविंग वर्ल्ड इन टाइम जो है उसमें हम देखेंगे कि जो फॉसिल रिकॉर्ड हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के मुताबिक, वो हमें क्या बताते हैं कि इस वर्ल्ड में टाइम पीरियड जो गुजर चुका है उसको कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है. आपको ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है. आप अपनी बुक में पेज नंबर 8 पे फोकस करेंगे, आप देखेंगे आपके पास एक फिगर है, फिगर 1.3. आप इसको फोकस करें जरा, फिगर 1.3. और इस फिगर में आपको जो रिकॉर्ड दिया हुआ है प्लांट्स और एनिमल्स का, इसमें आपको 4 इराज मिलेंगे, 4 टाइम पीरियड मिलेंगे. इरा कहते हैं एक खास वक्त का दौर, एक जमाना. तो इसमें सीनोजोइक इरा है जो एक जमाना गुजरा, सीनोजोइक इरा जो कि तकरीबन 70 मिलियन ईयर अगो की बात हो रही है. उसके बाद जो अगला इरा या जमाना है वो मीसोजोइक इरा है, जिसमें जुरासिक और ट्रैसिक टाइम मिलेगा आपको. उसके बाद अगला इरा जो है वो पेलियोजोइक इरा है, 270 मिलियन ईयर अगो. और जो आखिरी इरा है प्रोटीरोजोइक
इरा ये 2000 मिलियन ईयर अगो की बात हो रही है. एमसीक्यूज में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टाइम पीरियड गुजर चुका है उसमें कितने इराज थे. यहाँ 4 बेसिकली इराज हैं. फर्दर इनकी सब डिवीजन आपको मैं आपकी बुक से फोकस करके अभी समझाने जा रही हूँ. याद रखिए कि जो लिविंग वर्ड इन टाइम में आपको इराज हैं उनके ईयर्स भी साथ बताए हुए हैं और किस ईयर में कौन से प्लांट और कौन से एनिमल इवॉल्व हुए, पैदा हुए, उसकी भी डिटेल आपको इस चार्ट में मिलेगी. और ये चार्ट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है. आपने इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना. अक्सर बच्चे इसको पढ़ते हुए इग्नोर कर देते हैं. जो अच्छे बच्चे हैं, जो टॉपर्स हैं, वो यकीनन अपना किसी अच्छे मार्क्स लेकर यूनिवर्सिटी में जाने के शौक में होते हैं. मीडियाकर बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ अच्छे नंबर लेने के चक्कर में है, वो भी इसको पढ़ेगा जरूर. हाँ, अलबत्ता अगर आप फेल होना चाहते हैं तो आप इसको बस एक बार देखें और इग्नोर कर दें, ये आपकी मर्जी है. लेकिन समझाना मेरा फर्ज है. मैं आपको बता रही हूँ बहुत से बच्चे इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि क्वेश्चन जो आया हुआ था वो जनाब आउट ऑफ सिलेबस था. किताब को फोकस ही नहीं करते आप लोग. आप अपनी बुक पे आए, पेज नंबर 8 पे आइए, मैं आपको दिखाती हूँ. स्टूडेंट प्लीज लुक हियर. I am going to explain the fossil record of plants and animals shown in the geological time chart. इसमें आप देखें इराज एंड पीरियड्स, जिसमें सीनोजोइक इरा क्वार्टरी और टर्शरी टाइम पीरियड है. ये नेक्स्ट इरा मीसोजोइक है, जिसमें क्रस्टेशियन क्रेटीशियस, जुरासिक और ट्राइसिक टाइम पीरियड है. फिर पेलियोजोइक इरा, जिसमें परमियन, कार्बोनीफेरस, डिवोनियन, साइलोरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन, ये टाइम पीरियड जिनके नाम मैंने आपको बताया. और लास्ट में आप प्रोटीरोजोइक इरा की तरफ आएंगे. आप इनके ईयर्स भी याद करेंगे. आपको यहाँ एम से मुराद है मिलियन ईयर अगो. टाइमिंग आपके सामने है सीनोजोइक इरा की, मीजोजोइक की भी. ये तमाम टाइम पीरियड आपको मुतलका, सपोज दैट एमसीक्यूज में आता है कि जुरासिक टाइम पीरियड जो है वो कितने मिलियन ईयर अगो था, तो 180 मिलियन ईयर अगो है. ट्रैसिक 225 मिलियन ईयर अगो है. इसी तरह से आप नीचे की तरफ जाते जाएंगे और उनके मुतलका टाइम पीरियड जो है इनको याद करेंगे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब आपने ये देखना है कि किस इरा या किस जमाने में कौन से पौधे जनरेट हुए, पैदा हुए, इवॉल्व हुए. आप देख सकते हैं अगर एमसीक्यूज में आ जाता है कि एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट कब इवॉल्व हुए, तो ये आपको फिगर बता रही है कि ये तकरीबन ट्राइसिक टाइम पीरियड तक, मीजोजोइक इरा में ट्राइसिक टाइम पीरियड से इसकी बेस ओरिजिनेट हो रही है. और ये टाइम पीरियड जो है ये सीनोजोइक और मीजोजोइक इरा में एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट ओरिजिनेट हुए. बिल्कुल इसी तरह से अगर आप जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें आपको 3 इरा की, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में आपको 3 इराज जो मिल रहे हैं उसमें सीनोजोइक के साथ मीजोजोइक भी है और थोड़ा सा इसका स्टार्ट जो है वो पेलियोजोइक इरा से आपको मिल रहा है. इसकी आप बेस पे आप जाएं फिगर की, यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो आपको लीफ टाइप स्ट्रक्चर है ये आपको समझा रही है कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो है वो पेलियोजोइक इरा से ओरिजिनेट हुए. उसके बाद जो फर्न्स हैं इनका ओरिजिन अगर आप इसकी टिप पे जाते हैं तो ये तकरीबन डिवोनियन टाइम के साथ जाकर मैच हो रहा है. और फर्न्स जो हैं डिवोनियन टाइम पीरियड में ओरिजिनेट हुए. बिल्कुल इसी तरह से फंजाई एंड एल्जी जो हैं बहुत पहले से ये ओरिजिनेट कर चुकी थी. इनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो फंजाई और एल्जी जो हैं ये प्रोटीरोजोइक इरा यानी 2000 मिलियन ईयर अगो ये इवॉल्व हो चुकी थी. प्लांट्स की बात जब ख़त्म होगी तो मैं एनिमल डिस्कस करूंगी. एनिमल्स में आपके सामने यहाँ इस फिगर में इनवर्टिब्रेट, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स को डिस्कस किया गया है. एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात. इनवर्टिब्रेट का ओरिजिन अगर आप देखते हैं तो आप इस फिगर के बॉटम पे आए, यहाँ से आपको 3 डॉटेड लाइन नजर आ रही हैं और ये फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको अबाउट 3000 मिलियन ईयर अगो
यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। आप देखें यहीं से इसकी बेस जा रही है और ये इनवर्टिब्रेट जो हैं इनकी टिप जो स्टार्ट हो रही है वो प्रोटीरोजोइक इरा से ऊपर से शुरू हो रही है, यानी कैम्ब्रियन टाइम पीरियड जो है 600 मिलियन ईयर अगो वहां से इनवर्टिब्रेट आपको मिल रहे हैं, और बिल्कुल वही एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी के साथ से ही आपको फिश भी इवॉल्व होती हुई नजर आ रही है। ये अगर आप इस लाइन को फोकस कर रहे हैं जहां मेरी पेंसिल चल रही है तो आप देखें कि जो आपके पास है इनवर्टिब्रेट उनसे भी बॉटम में जाके या नीचे जाके आपको फिश की एवोल्यूशन मिल रही है। फिश और इनवर्टिब्रेट में थोड़ा सा टाइम पीरियड का फर्क यहाँ पर नजर आ रहा है लेकिन बेस दोनों की सेम बन रही है। फिश के बाद आप एम्फीबियन की बात करेंगे, जो आपको इनवर्टिब्रेट का एज ऑफ क्वेश्चनिंग अगर की जाए कि इनकी कितनी एज थी तो आप इनको बताएंगे कि एज ऑफ ट्राइलोबाइट्स जो हैं ये कॉमन वर्टिब्रेट एंसेस्टर हैं। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम बात है, ट्राइलोबाइट्स व्हाट आर ट्राइलोबाइट्स, तो आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। कॉमन वर्टिब्रेट हैं, एंसेस्टर्स हैं यानी आबाओ अजदाद हैं इन वर्टिब्रेट के ट्राइलोबाइट। उसके बाद आप फिश की जब बात करते हैं तो फिश में आपको यहाँ पर एज ऑफ फिश जो मिल रही है वो तकरीबन बराबर मिल रही है इनवर्टिब्रेट के। एम्फीबियन जरा सा ऊपर की तरफ आप आएंगे तो आप इसमें आप देखें ये तकरीबन डिवोनियन और साइलोरियन टाइम पीरियड के दरमियान में एम्फीबियन का एवोल्यूशन है, और जो एज ऑफ रेप्टाइल है ये एम्फीबियन के भी बाद की है, और फिर बर्ड्स और मैमल्स, सबसे एंड में मैमल इवॉल्व हुए। और ये मैं बताती चलूं कि बर्ड्स और मैमल इन दोनों के एंसेस्टर सेम है। इस फिगर को समझने के लिए आपको इस डॉटेड लाइन को फोकस करना होगा, ये डॉटेड लाइन बता रही है कि कौन कौन से प्लांट्स और कौन कौन से एनिमल्स जो हैं उनका एंसेस्ट्रल हिस्ट्री क्या है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में इस फिगर के इनवर्टिब्रेट हैं और उसके एक साइड पर प्लांट्स हैं और एक साइड पे एनिमल्स हैं, तो मैमल्स और बर्ड्स बराबर में इवॉल्व हो रहे हैं। इस फिगर को अगर फोकस कर रहे हैं और आपको समझ आ रही है मेरी ये बात तो ये सीनोजोइक इरा में हो रहे हैं। इस चार्ट को अच्छे से समझने के बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में आएंगे। अल्लाह हाफिज़।